स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्कार दोस्तों।, दोस्तों दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क ये बनने जा रहा है भारत के गुजरात में और इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बाई अडानी ग्रुप आप देख सकते हो विजिबल फ्रॉम स्पेस क्योंकि यहां पर यह कहना है कि ये इतना ह्यूज होने वाला है कि आप इसको स्पेस इस से भी देख सकते हैं एंड गौतम अडानी शेयर स्पेक्स ऑफ लार्जेस्ट ग्रीन पार्क प्रोजेक्ट तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली exactly है क्या कैसे भारत को यह मदद करेगा कहां पर सेटअप किया जा रहा है काफी कुछ जानने को है चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हमारा जो एस प्लस का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है यहां पर जो फाउंडेशन बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है कोई भी आप लेना चाहते हो अगर आप प्रम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एस ले सकते हैं अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं जीएस फाउंडेशन की यूपीएससी की तो बाई यूजिंग द कोड अंकित लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और इसके अलावा यहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी आ चुकी है इसके अलावा सीएसआईआर की वैकेंसी आई है कोई भी बैच अगर आप लोगे यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट विद दिस कोड और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है देखिए बताया जा रहा है कि भारत ने एक बहुत ही एंबिशियस प्रोजेक्ट जा, लिया है टुवर्ड सस्टेनेबल एनर्जी भारत कंस्ट्रक्ट कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन रन ऑफ कच आपको पता ही होगा जो सोल्ट डेजर्ट जिसको कहते हैं गुजरात के अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहां पर जाओगे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है यहां पर आपको मिलेगा रन ऑफ कच और जब से जब जब हम बात करते हैं रन ऑफ कच की तो कई बार आपने सुना होगा ग्रेट रन के बारे में और लिटिल रन के बारे में यहां पर आप देख सकते हो जो राइट साइड वाला डायग्राम है यहां पर मैं बेसिकली बात कर रहा हूं ग्रेट रन कच ठीक है जो रन ऑफ कच जो बड़ा वाला साइज का ये आप ऊपर में देख रहे हो यहां पर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एंड बताया जा रहा है कि इसके बनने की वजह से भारत का जो प्लान है ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो सकें क्योंकि आज भी क्या है कि अगर आप देखोगे जो कोयला है है हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हमारे पास कोई और दूसरा बड़ा ऑप्शन नहीं है लेकिन स्टिल हम कोशिश यहां पर यह कर रहे हैं कि हमारी जो एनर्जी डिमांड है उसको हम काफी हद तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरा कर सकें यहां पर जब मैं बात करता हूं ग्रीन पार्क के बारे में तो बेसिकली सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट दोनों ही यहां पर रन ऑफ कच्छ में स्टैब्लिश किए जा रहे

इसका नाम है खावड़ा ये आप देख सकते हो यहां पर ये विलेज है खावड़ा इसी के नाम पर ये पूरा प्रोजेक्ट रखा गया है दैट इज खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहां पर है क्या है इनफैक्ट ये आप देख सकते हो गौतम अडानी जी का ट्वीट आया था प्राउड टू प्ले अ क्रूशल रोल इन इंडियाज इंप्रेसिव स्ट्राइड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एज वी बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क एंड सबसे खास बात यहां पर उन्होंने यह कहा है कि इट इज विजिबल इवन फ्रॉम स्पेस और आप देख सकते हैं इस तरह के जो पिक्चर्स हैं वो इनके द्वारा शेयर किए गए हैं बहुत ही ह्यूज आपको देखने को मिलेगा ये प्रोजेक्ट जिस स्केल पर बनाया जा रहा है अगेन यहां पर भी आप देख सकते हो कई जगह जो सोलर पैनल हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं तो जस्ट इमेजिन पूरे एरिया में जब ये पूरा सोलर पैनल से ढका होगा कितना भव्य ये दृश्य होने वाला है खैर क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है जिसको हम दुनिया का सबसे बड़ा बोल रहे हैं इससे एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो देखो अगर हम इसके पूरे साइज की बात करें ना इस पूरे एरिया की जहां पर ये स्टैब्लिश हो रहा है वो आपको मिलेगा 726 स्क्वायर किलोमीटर जस्ट इमेजिन 726 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा फैला हुआ ये प्रोजेक्ट है और लगभग आप कह सकते हो कि सिंगापुर जो 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 आपकी कंट्री है ना उसके जितना बड़ा सोच के देखिए सिंगापुर जितने कंट्री के जितना बड़ा और इसकी वजह से लगभग 30 गीगावाट ऑफ पावर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको इतना बड़ा एनर्जी जो है आपको सप्लाई किया जा सके तो 30 गीगावाट ऑफ पावर जो है वो अकेले इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली है कहने का मतलब यह है कि लगभग 20 मिलियन जो घर हैं उनमें बिजली पहुंचाई जा सकती है इससे 20 मिलियन मतलब हो गया दो करोड़ घरों में सिर्फ अकेले इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो बिजली है लगातार पहुंचाई जा सकती है तो इसी की वजह से यहां पर क्या है कि भारत का जो एनर्जी डिमांड में आपसे कह रहा था हम उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस की तरफ शिफ्ट करना

मान लो अगर हम ये सारी चीजें चाइना से सोर्स कर लेते हैं तो हमारा जो आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा तो किलोमीटर मतलब दूर इससे पचास किलोमीटर दूर यहां पर मुंद्रा पोर्ट है और मुंद्रा पोर्ट के पास ही बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है वो लिया गया और वो ये है कि वर्ल्ड का मोस्ट एक्सटेंसिव इंटीग्रेटेड रिन्यूफेक्टम सोलर पैनल मुंद्रा पोर्ट के पास ही जो है जाएगा, किया जाएगा। और फिर यहां से उसकी इधर सप्लाई की जाएगी। मतलब कि जो भी कुछ यहां पर एक तरह से लगेगा वो यही से मेड इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसी को लगाया जाएगा तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं बार बार उसको पूरा करने

कहीं जो हमने यहाँ पर जो रिन्यूएबल uh, एनर्जी की चर्चा की है डिस्कशन की है गोल सेटअप किए हैं उसको भी अचीव करने में मदद करेगा तो चलो ये तो हमने समझ लिया इस प्रोजेक्ट के बारे में लेकिन इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि इसको लेकर क्रिटिसिज्म कैसे हो सकता है देखो यहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हां अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं तो एक अच्छी बात है लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है 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 कि जिस जगह पर पूरा प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है, वो के लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया देखो अगर आपने यूपीएससी की पढ़ाई की एनवायरमेंट वगैरह पढ़ा होगा तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि कोई भी जब प्रोजेक्ट लगाया जाता है बड़ा उसमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ई आई ए ये यहां पर कंडक्ट करना पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट लगाने से एनवायरमेंट को नुकसान हो सकता है लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमारे भारत में नियम यह है कि जो एनर्जी के प्रोजेक्ट होते हैं जरूरत नहीं पड़ती है और इसीलिए सोशल एक्टिविस्ट ने एडवर्स कॉन्सिक्वेंस हो सकता है क्योंकि दैट इज सोल्ट डेजर्ट एंड सोल्ट डेजर्ट इज अक लैंडस्केप वहां पर बहुत सारा फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलता है जैसे फ्लमिंगोज हो गए कई सारे माइग्रेटरी बर्ड हैं जो कि यूरोप से अफ्रीका जाती हैं तो उस रीजन में आती हैं विंटर के समय तो अगर वहां पर तो माइग्रेटरी बर्ड्स तो के सिमिलर रीजन है उसको लैंड में क्लासीफाई किया हुआ है और लैंड में जब हम इसको सेटअप करते हैं तो डेफिनेटली हमारे एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट आएगा और जैसा मैंने आपको बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना जरूरी नहीं है इसी की वजह से यहां पर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को यह एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कराना चाहिए ताकि हमें इसका एग्जैक्ट

चलो अच्छी बात है करना है लेकिन भारत से यह भी बोला जा रहा था कि आप अपना कोयले का जो खपत है उसको कम करते जाइए लेकिन हमने कहा कि देखिए भारत इस समय डेवलपिंग कंट्री है हमें जीडीपी बढ़ानी है तो हम कोयले की खपत को कम नहीं कर सकते अभी हमारा कोयले का खपत ज्यादा ही होगा आगे आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ा रहे हैं लेकिन कोयला हम अचानक से कम नहीं कर सकते यह भारत की तरफ से बोला गया और इसीलिए हमने एक डॉक्यूमेंट था जिसको साइन नहीं किया है भारत ने उसको साइन नहीं किया है और बहुत सारे देशों ने वन कंट्रीज ने साइन किया चाइना और भारत ने उसको साइन नहीं किया खैर हमारा एम यह है कि दो तो कहीं कहीं तो कि इस, कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सबको समझ में आ गया होगा और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो विच ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ एनर्जी इन चारों में से आपको बताना है क्या डिसएडवांटेज है इसका राइट right आंसर आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर